इजीज़ किचन एंड ब्लॉग से अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए फ्लफी सा पराठा बनाऊंगी आलू का। स्प्रिंग ऑनियन ये दो लेके और एक हरी मिर्च और ये धनिया, ये हम इनको बारीक बारीक काट लेते हैं। और आलू को मैंने मैश कर लिया है इस तरीके से। लेमन का जूस डाल के डाल देना है। और साथ ही ये स्पाइसेस जिसमें मैंने काली मिर्च, जीरा और मेथी, सूखा धनिया, लाल मिर्च और नमक लिया है हसबे जरूरत, ये आप इसमें मिक्स कर लें। अब हम आटे का पेड़ा लेते हैं, इसके लिए थोड़ा सा हम छड़क लेंगे खुश्क आटा। आटे का पेड़ा बनाते हैं सिंपल, जैसे घर में नॉर्मल तरीके से खाने के लिए आटा गूंदा जाता है, ये वैसे ही गूंदा हुआ आटा है। ये जो हमने बेला है पेड़ा, इसको हम आपको करीब से दिखाती हूँ। एक साइड इसकी यकीनन बन गई होगी, लेते हैं। जी आप ये देख सकते हैं, बहुत अच्छा सा फ्लफी सही बनेगा। बहुत अच्छा सा ये तैयार हो गया है, जिसको हम डिश आउट कर लेते हैं। कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं था, थोड़े से ऑयल में ही ये तैयार हो गया। मैंने सिर्फ 1.5 टेबल स्पून ऑयल इस्तेमाल किया। बहुत ज़बरदस्त से मिनी साइज़ के पराठे तैयार हैं, बड़े फ्लफी से बने हैं और आपको बेहद पसंद आएंगे। अभी एक तोड़ के आपको दिखाती हूँ। आपको पसंद आएंगे, थोड़ा सा चेंज लगेगा बच्चों को, उनको ज़्यादा पसंद आएंगे। उम्मीद है आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली से सब्सक्राइब करें।